शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26, शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26। फिर जीप लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इसराइल के 3,000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे, और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा, और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था, और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे लगाए हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहिमलेख और जरुयाह के पुत्र योआब के भाई अभिशय से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अभिशय ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अभिशय रातों रात उस लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिशय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बहता हुआ भूमि में धस जाए, और मुझको उसे दोबारा मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाने वाला कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झारी उठा ले और हम यहां से चले जाए। तब दाऊद ने भाले और पानी की झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उन पर भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली और जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था, और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इसराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की, और अब देख, राजा का भाला और पानी की झारी जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उसकाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने कहा है कि जा पराये देवताओं की उपासना कर, इसलिए अब मेरा लोहू
यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौटा, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा, इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया।